दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश के जो है ना ट्रांसलेशन को हल करना सीखेंगे। देखो बुआ, सबसे पहली बात समझो, आपको आपके जो एग्जाम में ना कम से कम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के 5 या 8 नंबर के आते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन आपका हिंदी से इंग्लिश है। ये आपका 22 है, लगभग 2200 को यदि आप बढ़िया से रिपीट कर लेते हैं, बढ़िया से लिख कर इसका आप रिमेम्बर कर लेते हैं ना, तो एकदम इसी के बीच में से आपका एग्जाम में ट्रांसलेशन आएगा। इसलिए 2200 को ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसका ट्रांसलेशन कैसे किया गया है, और इन 2200 को कई बार रिपीट कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको लिख कर बढ़िया से आप इसका रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है ना, बढ़िया से, क्योंकि इन्हीं के बीच में से आपका ट्रांसलेशन आएगा। और जितना सिंपल मैं आपको समझाऊंगा कोई नहीं समझा सकता है, ध्यान से समझिएगा। पहला ट्रांसलेशन है, पत्र लिखना कला है। क्या है? पत्र लिखना कला है। क्लास 12 वाले विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे इन सब चीज को। देखो, पत्र का इंग्लिश क्या होता है? लेटर। लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइटर, राइटिंग। और कला का इंग्लिश क्या होता है? आर्ट होता है। अब इसके अनुसार देखो हम लोग इसका क्या करेंगे। देखो, इसका जो है ना ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाएगा टू राइटिंग। क्या? टू राइटिंग इज एन आर्ट। क्या इसका अगर देखी जाए ट्रांसलेशन इंग्लिश में, हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, तो इसका हो जाएगा टू राइटिंग ए इज एन आर्ट। क्या होगा? ध्यान दीजिए, टू राइटिंग ए इज एन आर्ट। इसका मतलब होगा कि पत्र लिखना कला है, ठीक है ना। इसको बढ़िया से आप लिख कर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के बीच में सर आपका जो है ना हिंदी टू इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन आएगा। अगला देखो, क्या तुम्हें पत्र लिखना आता है? इसका इंग्लिश होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा डू यू नो हाउ टू राइट ए लेटर। क्या तुम्हें पत्र लिखने आता है? डू यू नो हाउ टू राइट ए लेटर। इसको बढ़िया सा लिख कर रिपीट करते चलिएगा। तीसरा है, अरुण और अहमद साथ साथ खेलते हैं। अरुण एंड अहमद। उसके बाद क्या करते हैं? साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ का टुगेदर होता है और खेलना का प्ले। तो अरुण एंड अहमद, अहमद प्ले, ध्यान दीजिएगा, प्ले टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। तो अरुण एंड अहमद प्ले टुगेदर, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, समझदारी से करिएगा। देखो चार नंबर, तुम्हें भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता ना, वो सब लिख कर बढ़िया से इसका रिपीट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, किसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। देखो, अरुण और अहमद साथ साथ खेलते ही, तो हो गया चार नंबर। तुम्हें भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई तुम्हें भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, यू मस्ट, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? यू मस्ट नॉट क्वारल विथ एनीवन का मतलब किसी से भी नहीं, ठीक है ना, कोई भी। देखो तो यहां पर होगा, तुम्हें भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्वारल विथ एनीवन, ठीक है। पांचवा देखो, वे एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते। क्या है? वे एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते। इस चीज को समझो, यहां पर वे एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते। दे डू नेवर क्वारल विथ ईच अदर। वे एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते। क्वारल मीन्स क्या होता है? झगड़ना होता है। वे एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते, तो बाबू इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे डू नेवर क्वारल विथ ईच अदर। क्या होगा? विथ ईच अदर। इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। वे एक दूसरे से कभी नहीं झगड़ते, दे डू नेवर क्वारल विथ ईच अदर। अगला देखो छठा, बसंत ऋतुओं का राजा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है, बसंत ऋतुओं का राजा है। तो स्प्रिंग इज द किंग ऑफ सीजन। सीजन का मतलब क्या होता है? एक ऋतु हो गया, ठीक है ना। अब क्या है? स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है, तो बसंत ऋतुओं का राजा है, तो स्प्रिंग इज द किंग ऑफ सीजन। देखो सातवा, बसंत की प्रशंसा में कवियों ने कविताएं लिखी है। बसंत की प्रशंसा में कवियों ने क्या करी? कविताएं लिखी है। इसका ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा, पोएट्स हैव रिटन इन द प्रेस ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। ध्यान दीजिए, क्या होगा? पोएट्स हैव रिटन इन प्रेस ऑफ स्प्रिंग। इसका हिंदी होगा, बसंत की प्रशंसा में कवियों ने कविताएं लिखी है। अगला आठवां, इस ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। क्या है ना? इस ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। फूल से फ्लावर्स, देखिए यहाँ पर फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट मतलब रंग बिरंगे या अलग अलग फूल, ठीक है ना। तो फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन द सीजन। मतलब इस जो सीजन है ना, इस ऋतु में क्या होता है ना, अलग अलग तरह के रंग, अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं, ठीक है ना। तो इस ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। इसका इंग्लिश बना लेंगे, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन दिस सीजन, ठीक है। अगला देखो नौवा है, यह सौंदर्य और आनंद की ऋतु है। क्या है? यह सौंदर्य और आनंद की
की ऋतु है, इसका ट्रांसलेशन करना आपको, इट इज द सीजन, क्या होगा, इट इज द सीजन ऑफ ब्यूटी एंड प्लीजर्स, प्लीजर्स का मतलब आनंद वाला, खुशी वाला, ठीक है, इट इज द सीजन ऑफ ब्यूटी एंड प्लीजर्स, इसका मतलब होगा यह सौंदर्य और आनंद वाली ऋतु है, ठीक है। अगला देखो, अगला दसवा है, होली बसंत में मनाई जाती है, बसंत में, बसंत वाली ऋतु में ही होली क्या करी जाती है, मनाई जाती है, तो होली इज सेलिब्रेटेड, मतलब मनाई जाती है कब, इन द स्प्रिंग, चाहे इन स्प्रिंग, यानी होली कब मनाई जाती है, तो होली बसंत में मनाई जाती है, तो होली इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग। देखो यहाँ पे 11वां नंबर, वह कई वर्षों से घर नहीं आया है, वह कई वर्षों से, देखो यहाँ 11 नंबर, वह कई वर्षों से घर नहीं आया है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज नॉट कम होम फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब वह कई वर्ष यानी सेवरल ईयर्स, वह कई वर्ष से घर नहीं आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही हैज नॉट कम होम फॉर सेवरल ईयर्स, यानी वह कई वर्षों से घर नहीं आया है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, पता नहीं है, 12 नंबर, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव नो नॉलेज अबाउट हिम, नॉलेज मतलब पता नहीं है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। आई हैव नो नॉलेज अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर 12वें नंबर, उसके माता पिता घर पर रहते हैं, उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, घर पर रहते हैं, इसका ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा हिज पेरेंट्स, मतलब उसके माता पिता लिव एट होम, यानी उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, घर पर रहते हैं। अगला देखिए 14वां है, उसका शहर में अपना घर नहीं है, उसका शहर में अपना घर नहीं है, तो ही हैज नॉट हिज वन, वन का मतलब होगा अपना, हिज वन हाउस इन टाउन, इसका मतलब होगा देखो यहाँ पर, ही हैज नॉट हिम हिज ऑन हाउस इन टाउन, इसका मतलब हो गया कि उसका अपना, ही हैज नॉट हिज वन हाउस इन टाउन, मतलब उसका टाउन में अपना घर नहीं है, या उसका अपना घर शहर में नहीं है। अगला देखो 15वां, वह एक गांव में रहता है, तो सिंपली है, वह एक गांव में रहता है, तो आप सुने ही होंगे, ही लिव्स इन ए विलेज, इसका मतलब ये होगा। देखो अगला 16वां नंबर, वह प्रतिदिन उससे मिलने जाया करता था, क्या है, वह प्रतिदिन उससे मिलने जाया करता था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही यूज्ड टू गो टू मीट हिम एवरीडे, एवरीडे का मतलब प्रत्येक दिन या रोज का रोज मिलने जाया करता था, ठीक है ना, तो वह प्रतिदिन उससे मिलने जाया करता था, तो ही यूज्ड टू गो टू मीट हिम एवरीडे, ठीक है ना, इसको बढ़िया से लिख का आप रिपीटेशन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 17वां देखिए, आज का दिन अच्छा नहीं बीता, तो टुडे टाइम डिड नॉट पास वेल, इसका मतलब यही होगा, ठीक है ना। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर 17 नंबर, आज का दिन अच्छा नहीं बीता, इसका मतलब टुडे टाइम डिड नॉट पास वेल। अगला देखिए 18वां नंबर है, हिंसा अपने आप में एक पाप है, हिंसा अपने आप में क्या, एक पाप है, इसका ट्रांसलेशन है वायलेंस इन इट सेल्फ इज ए सीन, मतलब हिंसा के अपने आप में पाप है, तो वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा पाप है, ठीक है ना, सीन ध्यान दीजिएगा, तो हिंसा अपने आप में एक पाप है, तो क्या बोलेंगे इसका ट्रांसलेशन, वायलेंस इन इट सेल्फ इज ए सीन। अगला देखिए 19 नंबर, वह अभी तुरंत मेरे घर आया है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज कम टू माई हाउस जस्ट नाउ, मतलब जस्ट का मतलब जल्दी है, वह अभी तो अभी मेरे घर आया है। अगला देखिए 20 नंबर, भारत अब गरीबों का देश न रहा, यानी भारत अब गरीब नहीं है, ध्यान दीजिए, भारत अब गरीबों का देश न रहा, तो इंडिया इज नाउ नो मोर द कंट्री ऑफ पुअर, यानी इंडिया अब गरीबों का देश नहीं रहा, इंडिया इज नाउ नो मोर द कंट्री ऑफ पुअर। अगला देखिए यहाँ पे 21 नंबर, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंकल, आकाश को क्या बोलते हैं, आकाश को स्काई बोलते हैं, तारा को स्टार बोलते हैं, ट्विंकल को हम लोग बोलते हैं टिमटिमाना, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, तो स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, आकाश स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। आगे देखिए, उसके पास दस रुपए भी नहीं थे, यहाँ पर होगा इसका ट्रांसलेशन ही हैड नॉट गॉट इवन 10 रुपीज, यानी उसके पास 10 रुपए तक भी नहीं थे। तो ये लगभग 22 ट्रांसलेशन आपके हैं,
आपके एग्जाम में 5 नंबर का ही क्वेश्चन करता है बाबू। ये चलते इस 2200 को लिख कर बढ़िया से इसका नोट्स बना लीजिए, आप बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं 2200 में से आपका 5 गो ट्रांसलेशन लड़ेगा, ये हमारा गारंटी रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको बढ़िया से नोट्स बनाइए और बढ़िया से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।